ठीक है सो so, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से थ्री पॉइंट एट स्पेस टूरिज्म सो इसरो इज डेवलपिंग कैपेबिलिटीज टूवर्ड्स स्पेस टूरिज्म थ्रू डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी टू द लो अर्थ ऑर्बिट सो एज यू नो द स्पेस टूरिज्म सेक्टर इज क्वाइट बूमिंग एंड डिफरेंट कंपनीज जो है इस सेक्टर के अंदर आ चुके हैं जैसे ब्लू ओरिजिन वर्जिन गलेक्टिक ईलॉन मस्क स्पेस एक्स तो ये बेसिकली प्रोवाइड करा रही है स्पेस टूरिज्म अभी तक स्पेस जो था केवल एस्ट्रोनॉट्स के लिए ही कन्फाइन था बट स्पेस टूरिज्म के थ्रू नॉर्मल पीपल वो एज अ पैसेंजर स्पेस के अंदर आ सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं स्पेस को सो so, इंडिया का भी आइडिया यही है कि हम लोग जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कंडक्ट करने वाले हैं जिसे हम गगनयान के अंडर आपने कई बार सुना ही होगा सो so, गगन यान के अंडर हम लोग ये भी डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि स्पेस टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इसरो कैन वर्क ओके okay. अब स्पेस टूरिज्म सेक्टर है इसको अगर हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं पहला है सब ऑर्बिटल टूरिज्म और दूसरा ऑर्बिटल टूरिज्म तो सब ऑर्बिटल टूरिज्म में आप एक पॉइंट तक तो उन्हें लेके जाते हो लोगों को विच इज़ अप टू हंड्रेड किलोमीटर्स और हंड्रेड किलोमीटर पहुंचने पे एक लाइन हम लोग क्रॉस कर जाते हैं विच इज़ कॉल्ड एज कार्बन लाइन तो कार्बन लाइन याद रखना यहाँ ऊपर लिखा भी है कार्बन लाइन ऐसा एक लाइन है जहाँ पर आप जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करोगे सो so बेसिकली वहाँ से हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर कार्बन लाइन को जैसे हम क्रॉस कर लेते हैं तो जो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो हमें खींचना बंद कर देती है एंड दैट्स हाउ वी एक्सपीरियंस ज़ीरो ग्रेविटी सो ये जो सब ऑर्बिटल टूरिज्म है इसमें बस इतना ही करते हैं कि सौ किलोमीटर तक ले जाते हैं जहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो भी स्पेस में पैसेंजर्स हैं वो उनको कुछ देर वहाँ पर रखते हैं लाइक कुछ घंटों रखते हैं ठीक है इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता वहाँ पर एंड देन वापस वो जो स्पेस क्राफ्ट है री एंटर कर जाएगा कार्बन लाइन से अंदर तो दिस इज वॉट इज सब ऑर्बिटल टूरिज्म लेंथ इसका थोड़ा सा कम रहेगा और ऑल्टीट्यूड जो है वो कम रहेगा फिर ऑर्बिटल टूरिज्म सो यहाँ पे हम लोग ऑर्बिट के अंदर ले हमारे अर्थ का जो ऑर्बिट है जहाँ पे आके रिवॉल्व करने लगेगा कोई भी सेटेलाइट वहाँ पर हम ले जाते हैं यहाँ पर वी कैन स्पेंड डेज और इवन वीक्स इन द स्पेस सो फॉर दैट जो स्पेस क्राफ्ट की जो वेलोसिटी है वो काफ़ी हाई होनी चाहिए ठीक है तो जनरली हम बात करते हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर तो कुछ और वेलोसिटीज की बात करते हैं तो एक है एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी मतलब इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए एक स्पेस क्राफ्ट की कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड जो उसमें से बाहर निकल जाए नेक्स्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी ऐसी वेलोसिटी जिससे कि जो स्पेस क्राफ्ट है दैट रिमेन विद इन द ऑर्बिट अराउंड द प्लानट ठीक है एसके वेलॉसिटी से तो एकदम बाहर निकल जाएगा बट ऑर्बिटल वेलॉसिटी ऐसी है जिसको अगर वो पहुँच जाता है तो इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सर्फेस सो दिस इज द टू टाइप ऑफ टूरिज्म दैट इज ऑफर्ड सो फार और अभी हमारा जो गगन यान है उसके अंदर हम जो कार्बन लाइन है उससे ऊपर पहुँचा देंगे ठीक है लोअर्थ ऑर्बिट तक पहुँचाने का हमारा आइडिया है कुछ देर विजिट कराना उन्हें एंड देन वापस ले कर आना ठीक है सो अभी प्रेजेंटली बात करें स्पेस टूरिज्म की कोई किसी इंटरनेशनल लॉ के अंदर डिफाइन नहीं किया गया कि स्पेस टूरिज्म का क्या मतलब है बस ये जो है एडहॉक बेसिस पे हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन किए हैं स्पेस टूरिज्म के अब कंसर्न्स की बात कर रहे थे कंसर्न क्या है तो पहला ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है बिकॉज जैसे ही आप ग्रेविटी को छोड़ देते हो ठीक है आपकी बॉडी वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करती है एंड उससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन इन्वामेंट फिर है पैसेंजर लाइबिलिटी एंड नेक्स्ट इज़ हाई कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्टली मिशन है ऑल दो अभी रिच जो है वो नी तक ही लिमिटेड है बट आगे कोशिश कराया जा रहा है कि इसे और चीपर बनाया जाए ठीक है और इसके साथ ही स्पेस डिवरी का भी खतरा हो सकता है सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो अबाउट द स्पेस टूरिज्म सेक्टर इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ जानने लायक नहीं है सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ब्लैक होल तो अभी एक ब्लैक होल का इमेज आया है जो कि हमारे मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके सेंटर में मिला है तो so, इससे पहले जो फर्स्ट फोटोग्राफ था सैजिटेरियस ए विच हैपन्स टू बी अ सुपर मैसिव ब्लैक होल सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे और ये पता कैसे लगा तो ये इवेंट हरइजन टेलीस्कोप है इसके थ्रू पता लगा इससे पहले इवेंट हराइजन टेलीस्कोप के थ्रू एस्ट्रोनॉमर्स ने फर्स्ट एवर फोटोग्राफ ऑफ ब्लैक होल लिया था विच वॉज एम एटी सेवन विच वॉज इन अ डिस्टेंट गैलेक्सी कॉल्ड मीजियर एटी सेवन जो याद रखना पहला जो फोटोग्राफ लिया गया था वो एक दूसरी गैलेक्सी के अंदर एक ब्लैक होल था उसका लिया गया था मीजियर एटी सेवन नाम से था उसके बाद अभी हमने हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम लोग रह रहे हैं उसके सेंटर में हम लोगों ने ये सैजिटेरियस ए जो है नाम का जो ब्लैक होल है उसको देखा है ठीक है या उसका इमेज जो है उसको कैप्चर किया है सो so, इसमें ये चीज़ याद रखना इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था 2020 के अंदर एंड अवार्ड uh, जो था तीन लोगों के बीच में बांटा गया था तो वन ऑफ द अवार्ड वाज गिवन टू रॉजर पेनरोस तो इन्होंने ब्लैक होल फॉर्मेशन के डिस्कवरी के बारे में काम किया था और इन्होंने बताया था कैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी बैक इन नाइनटीन उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग जिसे थ्योरिटिकली हम लोगों ने देखा और फिर प्रैक्टिकली ये जो सेजिटेरियस ए है या फिर जो मीजियर एटी ब्लैक होल देखा हम लोगों ने वो इसका एक प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन है नेक्स्ट इसका जो सेकेंड हाफ था ट्वेंटी ट्वेंटी के नोबल प्राइज़ का इन फिजिक्स दिस वॉज जॉइंटली अवार्डेड टू राइन हार्ट गेंजिल एंड एंड्रिया गेस तो इन्होंने डिस्कवरी किया था एक सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आर गैलेक्सी अगेन इन्होंने भी थियोरेटिकली ये काम किया एंड अभी ये जो इमेज आई हैं उसके थ्रू हम लोगों ने इनके काम को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली जस्टिफाई किया है फिर तो uh, से ठीक है तो कोरोबोरेट किया है एम्पेरिकल एविडेंस से ठीक है हम लोगों ने उसकी एक्चुअल इमेज निकाली सो so, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो है ये बेसिकली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है फिजिक्स के अंदर जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे लाइट जो है वो बेंड हो सकती है अराउंड द लार्ज ऑब्जेक्ट्स ठीक है सो ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी इसी का ही एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सो दिस थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हुज बेसिक आइडिया इज दैट इंस्टेड ऑफ बींग इन्विजिबल फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टू वन एंड अदर ग्रेविटी इज करविंग और वार्पिंग द स्पेस सो ग्रेविटी इज़ नॉट जस्ट अ फोर्स दैट इज़ पुलिंग अस इट इज़ ऑल्सो वॉर्पिंग द टाइम एंड स्पेस तो टाइम एंड स्पेस वॉर्प कर रहा है मतलब कि आपस में बेंड कर रहा है तो so, जितना एक मैसिव साइज होगा एक ऑब्जेक्ट का उतना ज़्यादा स्पेस को वो वॉर्प करेगा वार्प मतलब बेंड करेगा सो so, इसी का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल लेंसिंग जी टू थाउजेंड सिक्सटीन में डिस्कवर हुई थी सो ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है कि बेसिकली जब कोई लाइट वेव जो है वो पास करती है किसी एक लार्ज हेवनली बॉडी के अराउंड तो वो बेंड हो जाती है और ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग के थ्रू ही हमें बहुत सारी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमसे कई लाइट ईयर्स दूर है वो फिर भी हमें क्यों दिख रहे हैं क्योंकि लाइट बेंड हो जा रही है और लाइट जैसे ही बेंड हो जा रही है तो उसका जो इमेज था जो पहले शायद उसका रेजोल्यूशन कम होता लेकिन बेंड होने के कारण वो लाइट हमें जो है ज़्यादा दिख रही है सो so, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊ लेट से ये कोई प्लान है यहाँ पे पहले लाइट आ रही थी सीधी जानी थी दिस लाइट वॉज सपोज टू गो स्टेट लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से ये बेंड हो गई ठीक है बेंड हो गई और ऐसे कुछ हो गई तो हमें जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो थोड़ा बड़ा दिखेगा सो दिस इज वॉट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ये इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नेक्स्ट ब्लैक होल है अब ब्लैक होल के बारे में से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ की uh, वर्ड्स है जो हमें पता होना चाहिए सो so, पहला है श्वास चाइल्ड रेडियस सो दिस इज इवेंट हॉराइजन रेडियस सो इवेंट हॉराइजन टर्म आप बार बार सुनोगे जब भी आप uh, कोई ब्लैक होल के बारे में कुछ कॉन्टेंट पढ़ोगे सो इवेंट हॉराइजन इज बेसिकली वो प्लेन जिसके ऊपर ब्लैक होल का सारा एक्टिविटी हो रहा है सो दिस श्वास चाइल्ड रेडियस इज द इवेंट हॉराइजन रेडियस सो इट इज़ द रेडियस एट विच द वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट सो so अगेन ये टर्म आ रहा है एस्केप वेलोसिटी तो जैसे हमने अभी बात किया था कि प्लैनेट के टर्म में एस्केप वेलोसिटी क्या होगी कि इतनी तेज वेलोसिटी होनी चाहिए किसी भी स्पेस क्राफ्ट की कि उसकी वो जो स्पेस क्राफ्ट है वो उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जा, निकल जाए तो so, यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो ब्लैक होल है उसके उसमें से बाहर निकलना है तो उसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज होनी चाहिए अदरवाइज वो बाहर नहीं निकल पाएगा नेक्स्ट इज अर्गोस्पियर सो ब्लैक होल जो है बहुत तेजी से रोटेट होता रहता है तो इसके अंदर रोटेट होता रहता है और अट्रैक्ट करता रहता है चीजों को सो so, जैसे भी मास और गैसेस का एक रोटेशन होता है तो so, जैसे आपने देखा होगा कभी पानी का वर्लपूल बन जाता है जैसे पानी में आपने बहुत अपने सिंक के अंदर किचन के सिंक के अंदर बहुत सारा पानी भर दो और फिर एकदम से वो जो पानी आप देखोगे सिंक का जो होल है उसके अंदर गोल गोल घूमने लगता है तो वैसे ही हम जो है ब्लैक होल के केस में भी देखते हैं कि यहाँ पे जो सारी गैसे बहुत तेजी से कर रही होती है और इसी स्पिनिंग मूवमेंट को हम अर्गोस्फेयर बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट ब्लैक होल एट इमेन स्पीड तो इस दौरान इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियशन प्रोड्यूस होती है एंड यहाँ पे जनरली हम का, uh, होते हुए देखते हैं नेक्स्ट रोयल्टी विस्टोर जेट सो वेन स्टार्स आर एब्जर्व ब द ब्लैक होल्स जेट्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस आर ब्लास्टेड आउट नियर नीयर लाइट स्पीड ठीक है तो जैसे ही ब्लैक होल जो है क्योंकि अपनी तरफ चीज़ों को खींचता है तो अगर लेट से कोई स्टार उसके आसपास आज़ पास आ जाता है तो उसको भी वो सक करने की कोशिश करता है और जब वो सक करता है तो उसके जो कम्पोनेंट्स है वो बिखर जाते हैं एंड फिर वो ये एक बहुत सुअर्लिंग मोवमेंट क्रिएट करते हैं जिसको ये रोल्टो विस्तोजेट हम बोलते हैं नेक्स्ट सिंगुलैरिटी है सो सिंगुलैरिटी इज द वेरी सेंटर ऑफ द ब्लैक होल पे सब चीजें कोलैप्स हो जाती है सो so, इनफैक्ट हम ब्लैक होल को जब डिफाइन करते हैं तो वी से ब्लैक होल इज अ पॉइंट इन स्पेस विद इन डेंसिटी ठीक है विद वेरी लो वॉल्यूम एंड इनफाइनाइट डेंसिटी ऐसे करके हम डिफाइन करते हैं एक ब्लैक होल को प्लस यहाँ पे अगर एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होना चाहिए अदरवाइज वो बाहर नहीं निकल पाएगा इसमें से लास्टली इवेंट होराइजन रेडियस सिंगुलैरिटी वेर द मैटर एंड एनर्जी है सो so ये कुछ टर्म्स है जो पता होनी चाहिए ब्लैक होल के बारे में इसके अलावा एक सवाल ये था कि ब्लैक होल को इतना टाइम क्यों लगा हम लोगों को एक इमेज लाने में सो so ब्लैक होल नेकेड आईज से हमें नहीं दिखता ठीक है ये जो इमेजेस प्रोड्यूस की गई है सेजिटेरियज या मीजियर एटी की ये प्रोड्यूस की गई है थ्रू कलेक्शन ऑफ इमेजेस जो हमें मिलती है जब पार्टिकल्स बहुत तेजी से स्वल अराउंड कर रहे होते हैं अराउंड द एक्रेशन डिस्क ठीक है इस पॉइंट पे बहुत सारी जो गैसेस स्वल अराउंड कर रही होती हैं तो उसमें से बहुत सारे जो रेडिएशन निकलते हैं एक्स रेज वगैरह वगैरह ठीक है इन लाइट्स के थ्रू हमें पता लगता है कि यहाँ पे ब्लैक होल प्रेजेंट है तो बहुत सारी इमेजेस का कलेक्शन किया जाता है और जब वो कोलाज जो है उसको मर्ज किया जाता है आपस में तब हमें एक रफ आइडिया लगता है कि यहाँ पे एक ब्लैक होल है अदरवाइज नेकेड आईज से या नॉर्मल विजिबल लाइट के थ्रू पता लगाना मुश्किल है कि यहाँ पे कोई ब्लैक होल है ठीक है सो so, ये चीज याद रखना इसके बारे में जनरली आगे हम देखेंगे कैसे ब्लैक होल फॉर्म होता है तो विल नॉट बी स्टडिंग इट हेयर अब ब्लैक होल की भी कैटेगरीज होती है टाइनी ब्लैक होल है स्टेलर ब्लैक होल है सुपर मैसे ब्लैक होल है सो so, जनरली जो सन होता है ठीक है या सन या कोई भी स्टार है गैलेक्सी के अंदर या यूनिवर्स के अंदर जब वो बर्स्ट होता है ठीक है उसका भी एक साइज होता है जब वो बर्स्ट होता है तो उसमें हम स्टेजेस के अक्रॉस देखते हैं कि ब्लैक होल फॉर्म होता है ठीक है तो जितना बड़ा स्टन होगा उतना ही बड़ा ब्लैक होल फॉर्मेशन होने का चांसेस रहेगा तो इतना ही इसमें जाने लायक है ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्या stellar है क्या स्टेलर है क्या सुपर है नॉट इम्पोर्टेंट आगे चलते हैं एक टाइडल डिस्क्रप्शन इवेंट देखने को मिला था तो टू के अंदर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था एक ब्लैक होल जिसने रिप किया था एक स्टार को यानी जो अभी हमने चीज डिस्कस करी कि एक लेट्स से अगर कोई ब्लैक होल जो है वो एक स्टार को सक कर लेता है तो क्या होगा तो वही चीज है टोटल डिस्ट्रक्शन इवेंट यहाँ पे एक स्टार को सक किया था जो ब्लैक होल है उसने और उसकी वजह से हमें एक बहुत वॉयेंट जो है कॉस्मिक uh, एक्टिविटी देखने को मिली थी जहाँ पे उस स्टार जो है उसके कॉम्पोनेट्स मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया था टोटली totally, और इसे हम बोलते स्पेगेटिव फाइव स्टार के जो स्टार है पूरी तर, पूरी तरीके से बिखर गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में स्टार था जैसे ये इसके ब्लैक होल के कांटेक्ट में आया तो उससे जो बहुत सारे जो डेबरी है वो बाहर निकल गया और स्टार के एकदम डिस्ट्रक्शन हो गया सो दिस इज नोन एज द टोटल डिस्ट्रप्शन इवेंट नेक्स्ट फिर है बाइनरी सुपर मैसिव ब्लैक होल अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बस यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा ये काम का है कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है सो so अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो थी वो फर्स्ट टाइम डिटेक्टेड की गई थी इन 2015 थाउजेंड फिफ्टीन एन यू ने कई बार ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो ग्रेविटेशनल वेव्स को हमने डिटेक्ट कैसे किया तो हम लोगों ने इसके लिए एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेटरी बनाई और उस ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या था लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कॉमनली नोन एज लीगो सो यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ही हम लोगों ने यूज किया था और हमने देखा कि जैसे ही कोई बहुत ही हेवनली ऑब्जेक्ट होता है उसके अराउंड लाइट जो है बेंड करते बिकॉज जो हेवनली ऑब्जेक्ट है वो उस स्पेस को अपने अराउंड वॉप करता है वॉप मतलब बेंड करता है ठीक है सो दैट इज वट इज ग्रेविटेशनल वेव्स अब प्रोड्यूस कैसे होती है सो ग्रेविटेशनल वेव्स आर टू हेवनली ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट तो इसमें स्टार्स स्टार्स भी हो सकते हैं कि आपस में स्टार्स आए या लेथ से कोई स्टार एक्सप्लोर्ड हो गया नेक्स्ट टू ब्लैक होल्स ऑर्बिट ईच अदर और ट्राई टू मर्ज तब भी ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस हो सकती है या फिर कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट है जो बहुत तेज स्पीड से मूव करा तभी हमें ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस होती हुई दिख सकते हैं ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल वेव्स मूविंग अहेड डार्क मैटर सो यूपीएससी का अगर आपने फॉरेस्ट सर्विस का जो जनरल पेपर देखा हो उसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में पूछा हुआ था सो so, काफ़ी चांस है कि प्रीलिम्स के अंदर आ जाए इस बार क्योंकि प्रीलिम्स में अभी तक डायरेक्टली डार्क मैटर पार्ट को टच नहीं किया गया है सो डार्क मैटर न्यूज़ में क्यों था बिकॉज अभी एक टेस्ट रन किया गया ऑफ एल जेड डिटेक्टर इन यू एस डेट द मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर येट क्रिएटेड अब डार्क मैटर है क्या तो हमारा जो यूनिवर्स है उसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इन टू कॉम्बन वन इज द विजिबल यूनिवर्स जो हमें दिखता है जिसमी हम हमारा सन अर्थ बाकी गैलेक्सी प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब बंडल टुगेदर है इनटू एटम्स और फिर एटम्स मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स फिर आगे एलिमेंट्स में एलिमेंट्स आगे कंपाउंड में ठीक है सो दिस इज विजिबल यूनिवर्स जो हमें दिख रहा है बट ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि ये जो विजिबल यूनिवर्स है ये केवल पाँच परसेंट है ऑफ द मास ऑफ यूनिवर्स तो बाकी जो यूनिवर्स का मास है वो कहाँ से आ रहा है तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है बाकी ये जो मास है ये एक इनविजिबल सब्सटेंस है जिसको इन्होंने टर्म दिया है डार्क मैटर एंड अ फोर्स इसी की डार्क मैटर से रिलेटेड एक फोर्स है जो जिसे हम एक फोर्स जानते हैं ग्रेविटी जो, आपस में है। लेकिन एक ऐसी है जो को धकेल रही है आप चार्ट के थ्रू देख सकते हो डार्क एनर्जी 70 परसेंट डार्क मैटर 25 परसेंट एंड जो रेगुलर या विजिबल यूनिवर्स है वो केवल 5 परसेंट है ठीक है सो आगे जाने से पहले थोड़ा सा ये आ, एल जेड डिटेक्टर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं सो एल जेड डिटेक्टर जो था ये बेसिकली यू एस में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन लोगों ने ये बनाया था टू कैप्चर डार्क मैटर इन द फॉर्म ऑफ वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स सो यहाँ पे हम लोग एक ह्यूज टाइटेनियम टैंक लिया था जिसको हमने एक्सट्रीमली प्योर लिक्विड जेनॉन से फिल किया था और इस डिटेक्टर की मदद से हम डार्क मैटर जो है उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करें सो so, इतना ही है इसमें जानने लायक नेक्स्ट डार्क एनर्जी जो है अभी करंटली एक मिस्टीरियस फोर्स माना जाता है बिकॉज इसके बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट एक चीज़ कन्फर्म है कि बिग बैंग होने के बाद हमारा जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स रहा होगा उसके पीछे सो वी आर नेमिंग दैट फोर्स दैट इज रिजल्टिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ यूर यूनिवर्स एंड वी आर कॉलिंग एट calling this as dark energy. so unlike the normal matter, dark matter does not interact with electromagnetic wave, ya yeah, electromagnetic force interact nahi karta so नहीं करता so, जैसे कि आप जानते हो jo hain जो bhi वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक and wo hamare वो हमारे जितने भी hum चीजें हम देख रहे हैं उन सभी चीजों के साथ rahi कर रही है kar rahi कर रही है rahi हो रही है तभी हमें दिख रही है बट डार्क मैटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है वो इंटरेक्ट ही नहीं करते इलेक्ट्रो मैग्नेटिक से सो दैट्स वाई दे डू नॉट रिफ्लेक्ट और एमिट लाइट और इसीलिए हम उन्हें देख नहीं पा रहे बट साइंटिस्ट का जो कैलकुलेशन है मा जो मास ऑफ यूनिवर्स उससे उन लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये डेफिनेटली यूनिवर्स का मास जो है वो ज़्यादा है और हमें जो दिख रहा है केवल पाँच परसेंट है जो डेफिनेटली कुछ और मटेरियल है जो कि मास क्रिएट कर रहा है इस यूनिवर्स के अंदर ठीक है सो सिग्निफिकेंस क्या है डार्क मैटर स्टडी का पहला तो ये एक्सप्लेन करेगा कि स्टार्स और गैलेक्सी का मूवमेंट कैसे हो रहा है कैसे ये चीज़ें जो हमारे यूनिवर्स में एक्सपैंड हो रही है नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ़ द यूनिवर्स कि हमारे यूनिवर्स कैसे बनाए एंड लास्टली टू डिटरमाइन इफ़ द यूनिवर्स इज ओपन फ्लैट या और कोई डिफरेंट शेप का है ठीक है तो so ये थोड़ी सी डिबेट रहती है कि यूनिवर्स कैसा है किसी का मानना है फ्लैट है किसी का मानना है एवर एक्सपेंडिंग है किसी का मानना है क्लोज है तो वो सब डिबेट्स को भी एड्रेस करने में हेल्प करेगा नेक्स्ट ये जो फोर्स थी डार्क uh, एनर्जी वाली ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसी के थ्रू इन्होंने ये फोर्स को भी एक तरीके से पहली बार कैटेगराइज किया था बट उन्होंने नाम डिफरेंट दिया था उन्होंने एक कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेंट दिया था बाद में uh, कुछ एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट के ने डायरेक्ट एविडेंस भी दिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्पोनेट विच वॉज लेटर डब्ड एज डार्क एनर्जी इन नाइनटीन ठीक है तो याद रखना डायरेक्ट रिलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन से और उसके बाद हमें हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस भी मिला बैक इन 1998 अबाउट दिस डार्क एनर्जी नेक्स्ट सो यही था इसमें जानने लायक इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फॉर दिस एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स तो दो में उसके लिए पॉल सॉल uh, पर्ल मटर ब्रांचमिट एंड एडम रीज को इसकी डिस्कवरी के लिए नोबल प्राइज भी मिल चुका है ठीक है सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस डार्क मैटर इंपॉर्टेंट है तो याद रख लेना चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है तो क्लियर है ना डार्क मैटर और डार्क एनर्जी में डिफरेंस क्या है नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अर्थ रिकॉर्ड्स इट्स शॉर्टेस्ट डे सो ट्वेंटी नाइन जुलाई को अर्थ का सबसे शॉर्टेस्ट डे था बिकॉज इसने अपना जो स्पिन है यानी जो रोटेशन है उसको 1.59 मिलीसेकंड कम काम के अंदर ही पूरा कर लिया था सो so, अर्थ का स्पेन एंड रोटेशन आप सब ये चीजें जानते हो लेकिन ये जो इंक्रीज स्पीड और डिक्रीज स्पीड हो जाती है अर्थ की ये कुछ रीजंस की वजह से होती है तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं जैसे इनर और आउटर लेयर ऑफ जो कोर है उसमें कोई प्रोसेस चल रहे हैं ठीक है एडवेक्टिव जो एडवेक्शन करेंट सेल की हम बात करते हैं उसकी वजह से हो सकता है ओशंस का जो मूवमेंट है टाइड्स का जो मूवमेंट है जनरल क्लाइमेट में चेंज है उसकी वजह से जो अर्थ का जो मूवमेंट है वो चेंज हो सकता है एक अर्थ तो जैसे अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो कई बार वो स्पिन चेंज हो जाता है तो जनरली फोर थर्टी थ्री डेज के अंदर हमें वॉबल अमाउंट देखने को मिलता है ट्वेंटी फीट एट नॉर्थ पोल और इसका पॉसिबल कॉज यहाँ पे दिया है एज फ्लक्चुएटिंग प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द ओशन कॉज बाय टेम्परेचर एंड सेलिनेटरी चेंजेस सो ये चैंडलर वॉबल याद रखना ये बेसिकली यही बात करता है कि अर्थ का जो रोटेशन है अराउंड इट्स एक्सिस वो कई बार चेंज हो जाता है नेक्स्ट अर्थ स्पिन डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो अर्थ का जो स्पिन है दैट इज़ स्लोइंग डाउन बट पिछले कुछ सालों में हमने देखा अर्थ का स्पिन फास्ट हो गया सो so, ये ऑब्जर्वेशन लिया गया था और ये जो मिली सेकेंड का जो लॉस देखने को मिला इसे हम बोलते हैं लीप सेकेंड ये लीप सेकेंड जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था नाइनटीन सेवेंटी टू के अंदर बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सर्विसेज सिस्टम सर्विसेज ठीक है सो अर्थ कभी जल्दी घूम जाती है ना तो वो वन सेकेंड भी अगर हम लोग अकाउंट नहीं करेंगे तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्रैश कर सकते हैं या जो टाइम सिस्टम है वो कोलेप्स कर सकता है सो so, हमारा मेजरमेंट परफेक्ट रहे इसके लिए हम ये लीप सेकेंड लगाते हैं अब हमने मेजर कैसे किया अब, अब आप बोल लोगे कि 1.59 पॉइंट मिली सेकेंड जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं सो so, हमारे पास एक क्लॉक होती है कॉल्ड एज एटॉमिक क्लॉक ठीक है एटॉमिक क्लॉक्स आर वेरी प्रिसाइज क्लॉक्स जो स्पेसिफिकली इस, इसी पर्पज के लिए डिजाइन की जाती है कि वो इवन द लेंथ ऑफ अ सेकेंड ठीक है उसके अंदर भी अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको नोटिस कर सकती हैं और एटॉमिक क्लॉक्स जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड बनाई जाती हैं ताकि एक परफेक्ट टाइम मिले इनफैक्ट हमने कल आई आर एन एस पढ़ा था नाविक जो पढ़ा था उसको बनाने के अंदर भी अटामिक क्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ था ठीक है सो ये चीज़ याद रखना बाकी इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है सो so, याद रखना लीप सेकेंड क्या है चैनल वॉबिल क्या है और अभी हम लोगों ने जो अर्थ का शॉर्टेस्ट डे है उसको रिकॉर्ड किया बिकॉज अर्थ का जो स्पिन है वो तेज़ हो गया है पिछले कुछ समय के अंदर सो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था इसका स्पेस सेक्टर का आफ्टर द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तो डार्ट नाम का एक मिशन था डबल एस्ट्रॉयड री डायरेक्शन टेस्ट मिशन तो ये नासा का एक मिशन था जिसके अंदर नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था जो जिसका टारगेट ये था कि हमारी अर्थ पेलट से अगर आगे कभी कोई एस्ट्रॉयड या और कोई हेमलनी बॉडी टकराने लग जाए तो हम एक स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करके उससे कोलिजन करा के उसका जो ट्रेजेक्ट्री है जो पहले अर्थ पे स्ट्राइक करने वाला था उसको चेंज कर सकते हैं तो ये बेसिक आइडिया था इसको इस पूरे डार्ट मिशन का कि हमें अर्थ के ऊपर टकराने वाले किसी भी एस्ट्रॉयड का जो डायरेक्ट डरेक्ट्रेजेक्ट्री है उसको चेंज करना है बाई कोलेजन विद द स्पेस क्राफ्ट तो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिफिकली इस टेस्ट मिशन में कराया था तो नासा ने क्रैश करवाया अपना डार्ट मिशन ऑन एन एस्टोरॉयड सिस्टम डिड तो यहाँ पे ये एस्ट्रॉयड था डिड और उसका ये मून था डाईमॉर्फस नॉट एग्जैक्टली मून विल से मून लेट वो मून तो जब प्लानट होता है तब उसकी सेटेलाइट को हम मून बोलते हैं लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एक एस्टोरॉयड है दिस इज नॉट कम्प्लीटली अ प्लानट तो इसको अगर कोई चीज़ रिवॉल्व करता है तो हम उसको बोलते हैं मून तो इस मून का जो नाम था वो था डायमॉर्फस तो क्लियर रखना डिडिमोस वॉज द एस्टोरॉयड एंड डायमॉर्फस वॉज द मून तो हमने क्या किया एक स्पेस लेके गए और डायमॉर्फस के साथ टकरा दिया जैसे ही टकराया तो इस टकराने से उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज हो गई सो दैट इज द आइडिया आइडिया और द इंटेंट बिहाइंड दिस डार्ट मिशन और फिर इस पूरे मिशन का जो ट्रैकिंग है हम लोगों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप के थ्रू किया है तो यही था इसमें जाने लगे किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हो ठीक है नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं स्टेटोस्पेरिक ऑब्जर्वेटरी इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी मिशन कॉल्ड एज सोफिया सो नासा ने अभी प्लान किया है टू शट डाउन सोफिया टेलीस्कोप दैट फाउंड वाटर ऑन द मून सो ये सोफिया जो है एक इंफ्रा रेड टेलीस्कोप था जो कि एक बोइंग एयरप्लेन में रखा गया था और ये बोइंग एयरप्लेन जो था जब भी इन लोगों को इस टेलीस्कोप का यूज करना था इस प्लेन को उड़ाया जाता था एट फोर्टी थाउजेंड फीट अब अब द सर्फेस एंड फिर पूरा जो जहाँ पे भी इनको देखना होता था वहाँ पे ये टेलीस्कोप को टारगेट कर लेते थे सो so, ये जो सोफिया था दिस वॉज इन कोलाब्रेशन बिटवीन नासा एंड द जर्मन स्पेस एजेंसी ठीक है तो जर्मन स्पेस एजेंसी याद रखना क्योंकि अभी तक हमने जर्मन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं पड़ा था कहीं पे भी किसी स्पेस टेक में तो याद रखना जर्मन स्पेस एजेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व है सो so, डाटा किस टाइप का कलेक्ट करा था कि कैसे स्टार का बर्थ होता है कैसे डेथ होती है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोलर सिस्टम एक्सेट्रा सो सोफिया के अंदर जैसे ही आप नाम एक्सपेंड करा इंफ्रारेड है सो so, यहाँ पर हम लोग कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को फार इंफ्रारेड वेवलेंथ में देख रहे थे इसके अलावा मून में मून के ऊपर वाटर तो ढूंढा ही था इसके अलावा हीलियम हाइड्राइड भी डिस्कवर किए थे इन यूनिवर्स ऑलमोस्ट फोर्टीन बिलियन ईयर्स अगो तो ये था सोफिया मिशन के बारे में इम्पोर्टेंट है आगे चलते हैं इसरो के कुछ डेवलपमेंट्स देख लेते हैं पहला है हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम सो इसरो ने टेस्ट किया एक हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम जो आगे आने वाले जो लॉन्च व्हीकल हैं जैसे पी हो गया एस हो गया इनमें इस्तेमाल किया जाएगा सो so, यहाँ पे हम लोगों ने मोटर जो है उसमें यूज़ किया है हाइड्रो ऑक्सीड टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन एज फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजर सो ये दो कॉम्पोनेंट होते हैं कभी भी कोई भी इग्निशन इंजन आप देख रहे हो तो वहाँ पे दो कॉम्पोनेंट आपको देखने में मिलेंगे एक होता है फ्यूल जिसको जलाया जाता है और जलाने के लिए हमें एक ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है सो जनरली ऑक्सीजन ही हम लोग यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइज़र क्योंकि वो एक बहुत अच्छा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इनफैक्ट नॉर्मल एनवायरनमेंट में भी अगर आप ऑक्सीजन डिवॉइड कर दो किसी एरिया है जहाँ पे अगर ऑक्सीजन डिवॉइड कर दें हम लोग तो वहाँ पे हम आग ली नहीं लगा सकते बिकॉज ऑक्सीजन का प्रेजेंट जरूरी है एज ऑक्सीडाइज़र सो यहाँ पे हम लोग अनलाइक द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ दिस प्रोपलशन व्हीकल्स जहाँ पर हम सॉलिड सॉलिड या लिक्विड लिक्विड कॉम्बिनेशन यूज़ करें ये हाइब्रिड मोटर जो है ये यूज़ करेंगे सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड ऑक्सीडाइज़र सो ये चीज़ याद रखना फ्यूल सॉलिड में रहेगा और जो ऑक्सीडाइजर है वो लिक्विड स्टेज में रहेगा सो द यूज़ ऑफ द लिक्विड फैसिलिटेट थ्रॉटलिंग एंड द कंट्रोल ओवर फ्लो रेट ऑफ एलोएक्स दैट इज द लिक्विड ऑक्सीजन एंड अनेबल्स री स्टार्ट केपेबिलिटी सो ये एडवांटेज है इससे हमें मोर एफिशियंट व्हीकल मिलेगा साथ ही ग्रीनर एंड सेफर टू हैंडल सो ये कुछ एडवांटेज है जो इस हाइब्रिड पोपलेशन सिस्टम के बारे में पता होनी चाहिए सो so, याद रखना फ्यूल का नाम और जो स्टेज इसमें इस्तेमाल हो रही है दैट इज हाइब्रिड लिक्विड एंड सॉलिड अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ एच एस टू हंड्रेड बूस्टर फॉर गगनयान प्रोग्राम तो आप जानते हो एक रॉकेट जो होता है उसके साथ साथ हम लोग जो पी एस एल वी हो गया उसके साथ साथ हम कुछ बूस्टर्स लगाते हैं जिन्हें बूस्टर मोटर बोलते हैं तो लेट से ये आपका पी एस एल वी हो गया पी एस एल वी के साइड में आपने छोटे छोटे ऐसे रॉकेट्स से ही कह सकते हैं छोटे छोटे रॉकेट्स देखेंगे उसके बाजू में ठीक है तो इन्हें ही हम लोग आ, प्रोपल्सन मोटर्स बोलते हैं और या बूस्टर्स बोलते हैं तो इट इज दिस एच एस टू हंड्रेड इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर यूजिंग सॉलिड सॉलिड प्रोपलन्स का यहाँ पे इस्तेमाल करा है और ये जो है ह्यूमन रेटेड वर्जन है ऑफ एस टू हंड्रेड ठीक है ये एच लगने से ही एच एस टू हंड्रेड बन गया यानी ह्यूमन रेटेड एस टू हंड्रेड रॉकेट बूस्टर तो ये यूज़ किए जाएंगे जियो सिंक्रोनास लॉन्च व्हीकल जो मार्क थ्री हम लोगों ने कल पढ़ाई था और गगनयान के अंदर आप जानते ही हो कि हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इंडीजिनियस केपेबिलिटी टू अंडरटेक अयमन स्पेस फ्लाइट टू लो अर्थ ऑर्बिट से दो हज़ार किलोमीटर तक तक लेकर जाएंगे और वापस ले आएंगे वहां तक सो so, अभी तक ये जो कैपेबिलिटी है डेमोन्स्ट्रेट तीन कंट्रीज ने किया दैट इज यू एस रशिया एंड चाइना तो ये पता होना चाहिए और अगर इंडिया सक्सेसफुल डेमॉन्स्ट्रेट कर देता है देन इंडिया विल बिकम द फोर्थ कंट्री नेक्स्ट इन फ्लेटेबल एरोडाइनमिक डेक्सिलेटर सो नाम से ही पता लग रहा है कि हम यहाँ पे किसी चीज़ की स्पीड कम करना चाह रहे हैं सो स्पेस टेक के अंदर अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली आप लॉजिक लगा सकते हो कि हमें डेक्सलरेट कहाँ करना पड़ेगा जब भी कोई टच डाउन हो रहा है टच डाउन किसका तो जो लैंडर्स या जो रोवर्स हम लोग बात करते हैं उनका हमें सॉफ्ट लैंडिंग कराना होता है सो so, ये डेक्सेलरेटर जो है वहाँ पर काफ़ी काम आएगा इससे ज़्यादा इसमें कुछ काम लायक चीज़ नहीं है बस ये याद रख लेना यहाँ पे एक टर्म लिखा कैविलर सो कैविलर जो है एक फैब्रिक होता है जो बहुत ही हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है टफ होता है और थर्मल स्टेबिलिटी होता है तो जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो होते हैं ना उसको बनाने में कैवलर यूज होता है तो ये वाला जो फैब्रिक है इसी का इस्तेमाल किया गया है इस इनफ्लेटेबल एरोडाइनमिक डसेलेटर सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ पैराशूट काइंड ऑफ थिंग जो कि स्लो डाउन करेगा जो भी हम ऑब्जेक्ट भेजना चाह रहे हैं किसी और प्लानट के ऊपर तो so आगे आप जानते ही हो हमारे बहुत सारे इंटर प्लानिटरी मिशन प्लान है वीनस और मार्स के ऊपर सो so वहाँ पे ये इन्फ्लेटेबल एरोडाइनमिक डिसलेटर जो है हमारे काम आएगा इससे ज्यादा इसमें कुछ जानने लायक नहीं है ये इन्फ्लेट करने के लिए कौन सा फ्यूल uh, यूज होगा लिक्विड ऑक्सीजन uh, या लिक्विड नाइट्रोजन बट एक्चुअली लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाएगा उसको uh, क्योंकि वो uh, क्या कहते हैं उसको फोल्ड करके रखेंगे ना जो ऊपर का रॉकेट uh, के ऊपर uh, जो मटेरियल हम रखते हैं तो एक बार आप देख लेना ये ठीक थे, है मैं एक बार में इसको था। हाँ इसको मैं चेक कर लूंगा एक बार सो so, आगे चलते हैं नेक्स्ट इज रोहिणी साउंडिंग रॉकेट सो इसरो ने लॉन्च किया आर एच टू हंड्रेड साउंडिंग रॉकेट और ये साउंडिंग रॉकेट जो है ये टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट रहेगा विच विल बी यूज फॉर प्रोबिंग द अपर एटमोस्फेरिक रीजन फॉर स्पेस रिसर्च तो टू स्टेज रॉकेट है अभी तक जो हम पी वगैरह देख रहे थे ये वो फोर स्टेज रॉकेट था जी थ्री स्टेज रॉकेट था और हमारा अभी रिसेंटली हम लोगों ने एस भी लॉन्च किया है तो वो थ्री स्टेज रॉकेट है सो so, स्टेजेस थोड़ी सी क्लियर रखना क्योंकि ये रोहिणी साउंडिंग रॉकेट भी आ गया है सो so ये टू स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट है और काम इसका क्या है कि रिसर्च जो स्पेस रिसर्च करनी है हमें मतलब बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए वहाँ पर हम ये साउंडिंग रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे सो so, इससे पहले भी इंडिया ने साउंडिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल किया बैक इन 1963 जब हमने पहला साउंडिंग रॉकेट छोड़ा था थम्बा के अंदर सो so, उसके बाद से काफी सारे साउंडिंग रॉकेट छोड़े गए बट अभी ये रिसेंटली रोहिणी आर एस टू हंड्रेड हम लोगों ने लॉन्च किया पहला इंडिया ने जो साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था वो था अमेरिकन नाइक अपाची इन 1963 सिक्सटी so, थ्री सो याद रखना इस रॉकेट का जो स्टेज है वो टू स्टेज है और सॉलिड फ्यूल ही इसमें इस्तेमाल हो रहा है सो so, आगे चलते हैं रीसेट टू सेटेलाइट सो so, इसरो का ये रीसेट टू सेटेलाइट है इसने एक अनकंट्रोल री एंट्री करा अर्थ के एटमोसफेयर में सो री री एंट्री से आप समझ सकते हो कि जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट से निकल कर अब एटमोसफेयर के अंदर आ गया और गिरने वाला है सो रीसेट टू जो है इट्स अ रेडार इमेजिंग सेटेलाइट विच वॉज पार्ट ऑफ द रीसेट प्रोग्राम और इसका वेट जो था थ्री हंड्रेड था एंड वॉज लॉन्च बाय द पी एस एल वी सी ट्वेल्व बैक इन टू थाउजेंड नाइन सो so, तब से ही अब तक काम कर रहा था बट अब अनकंट्रोल्ड री एंट्री कर लिया है के अंदर सो so, इसके अंदर हम लोगों ने इसे इक्विप किया था विद अ सिंथेटिक अपर्चर रेडार दैट कैन टेक पिक्चर्स ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग डे एंड नाइट एंड ऑल्सो अंडर द क्लाउडी कंडीशन सो ये इसका एक यू एस पी था यूनिक सेलेक् पॉइंट कि डे एंड नाइट के, के अंदर भी पिक्चर ले रहा था डिस्पाइट क्लाउडिंग कंडीशंस ठीक है सो so, ये राउंड द क्लॉक सर्वेलेंस प्रोवाइड करा था हम लोगों को विद चेकिंग इन्फिल्ट्रेशन कीपिंग आई ऑन द टेरर और एंटी नेशनल एक्टिविटीज अक्रॉस द बॉर्डर सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट था फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस इन जनरल ठीक है सो so, याद रखना रिसेंट टू के बारे में न्यूज़ में है अभी नेक्स्ट आदित्य एलवन कल हम लोग डिस्कस किए थे जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तो अब हम आदित्य एलवन के बारे में भी डिस्कस किए थे सो so, याद रखना L1 जो है यहाँ पे एक लेगरेंस पॉइंट है लेग्रैंस पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो सन है और अर्थ का जो मैग्नेटिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करता है सो so, यहाँ एक स्टेबल हम एक स्टेबल तरीके से किसी भी स्पेस है उसको रख सकते हैं ठीक है सो आदित्य एलवन इज बेसिकली मिशन टू स्टडी द सन्स करोना सोलर एमिशन सोलर विंड फ्लेयर्स मार्ज रिजेक्शन साथ ही साथ दिस विल कैरी आउट राउंड द क्लॉक इमेजिंग ऑफ द सन सो so, अभी लॉन्च करना था इसको बट इसकी टाइम लाइन जो कंटिन्यूसली आगे बढ़ाई जा रही है इसके अलावा वर्ल्ड के कुछ और इम्पॉर्टेंट सोलर मिशन है जैसे कि यूरोपियन एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर है नासा का पार पार्कर प्रोब है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोलर मिशन है जो अभी वर्क कर रहे हैं वर्ल्ड के नेक्स्ट आर्टिकल है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन सो so, इसरो ने एक एम साइन किया विथ सोशल एल्फा टू लॉन्च स्पिन अब ये स्पिन जो है ये एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है फॉर इनोवेशन क्यूरेशन वेंचर डेवलपमेंट फॉर स्पेस एंटरप्रोरियल इकोसिस्टम सो हम इससे पहले हम लोगों ने इन स्पेस की बारे में बात किया था कि हाँ गवर्नमेंट जो है इसरो की जो फैसिलिटीज़ है उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के लिए मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यूटिलाइज़ कर पाए इसरो की फैसिलिटी उसके लिए इन स्पेस बनाया गया था अब हम देख रहे हैं ये एक स्पिन नाम का नया प्लेटफॉर्म आया सो स्पिन बेसिकली कुछ स्टार्टअप्स को है सेलेक्ट करेगा और इनोवेटर्स को सेलेक्ट करेगा और उनके जो भी स्पेस से रिलेटेड जो भी इनोवेशन है या एंटरप्रनोरशिप है उसको इम्पेटस देगा ठीक है इम्पेटस इन देंस कि उन्हें जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है रिसोर्सेज है उनसे एक्सेस उनका एक्सेस देगा ताकि वो लोग और बेहतर कर सके स्पेस इनोवेशन में सो याद रखना स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस टेक सेक्टर आगे चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज सो पहले कुछ फिनोमिनाज हैं सोलर इक्लिप्स यहाँ पे दिए हुए थे सो आई होप सोलर इक्लिप्स सबको सभी को क्लियर होगा सोलर इक्लिप्स के अंदर फिर फर्दर कुछ टाइप्स होती हैं टोटल सोलर इक्लिप्स जब मून जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है सन को कि हमें सन बिल्कुल भी नहीं दिख रहा तब टोटल सोलर इक्लिप्स है फिर पार्शियल सोलर इक्लिप्स है नाम से पता लग रहा है पूरी तरह ब्लॉक नहीं कर पा रहा है. फिर आता है एन्यूअल सोलर इक्लिप्स यहाँ पे जो मून है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है अर्थ से और इसके कारण हमें जो जो सोलर एक है वो एक रिंग फॉर्म में देखने को मिलता है यानी मून जो है एक थोड़ा सा पार्टी कवर कर पाता है बाकी किनारे से उसके रिंग्स सोलर सोलर का जो रिंग है वो दिखता रहता है सो दैट दैट इज वट इज एनुलर सोलर इक्लिप्स फिर इसके अलावा एक हाइब्रिड सोलर एक होती है जहाँ पे सन सन मून और जो अर्थ का पोजिशन है थोड़ा लाइन में नहीं होता इसकी वजह से पूरी तरीके से जो सन है वो इक्लिप्स नहीं होता हमारे लिए सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सोलर एकस इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड मून सो ब्लड मून हम देखने को तब मिलता है जब लूनर एक होता है और वो भी कैसा टोटल लूनर एक यानी मून जो है पूरी तरीके से अर्थ की शेडो में कवर अप हो जाता है अब ये जो शेडो वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं अम्बरा रीजन ठीक है जब कंप्लीटली अगर इस रीजन के अंदर कोई भी बॉडी आ गया तो वो कम्प्लीटली शेडो जोन में चला जाएगा और शेडो जोन में चलना चाहेगा इसका मतलब वो जो थर्ड बॉडी है उसको चेक चेक नहीं कर पाएगा इसके अलावा एक और शेडो रीजन होता है पेनम्बरा ठीक है पेनम्बरा थोड़ा सा वाइडर होता है एज कंपेयर टू अम्बरा और यहाँ पे टोटल सोलर एक्लिप्स नहीं देखने को मिलता ये टोटल totally, टोटली totally कोई भी जो बॉडी है वो इक्लिप्स नहीं होती तो ये चीज याद रखना सो टोटल लूनर में हम ये देख रहे हैं कि अर्थ का जो अम्बरा है उसके अंदर मून चला जा रहा है और जिसकी वजह से मून का जो कलर है वो रेडिश कलर हो जा रहा है इसीलिए उसे ब्लड मून बोलते हैं ठीक है है तो इतना ही इसमें याद रखने लायक आगे चलते हैं, जियो मैग्नेटिक स्टॉम सो सर हाँ बोलिए उससे है? पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी ये अभी हम एनुलर सोलर के बारे में पढ़ रहे थे ना कि एक रिंग जैसा दिखेगा उसको क्या बोलते हैं एक

जियो मैगनेटिक स्टॉम सो ये जियो मैग्नेटिक स्टॉम जो है ये बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है अर्थ के मैग्नेटोस्पियर में सो एज यू नो अर्थ का अपना एक मैग्नेटोस्पियर है वैन एल एन बेल्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं भी उसके बारे में सो so, जनरली हमारे अगर जो मैग्नेटोस्पियर है उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो हम उसे बोलते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉम और ये डिस्टर्बेंस हो क्यों नहीं है क्योंकि सन से करोनल मास इजेक्शन हो रहा है करोनल मास इजेक्शन क्या होता है सन की सरफेस से लार्ज अमाउंट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है या हॉट गैसेस का एक प्लाज्मा स्टेट जो है वो एमिट किया जाता है और वो जो इलेक्ट्रॉन का मास है जैसे ही वो अर्थ के जो मैग्नेटोस्फीयर स्पेयर है उससे टकराता है सो ये उसको डिसरप्ट करता है थोड़े बहुत सेंस थोड़े बहुत टाइम के लिए एंड दिस लीड्स टू अ जियो मैग्नेटिक स्टॉम अब जियो मैग्नेटिक स्टॉम से इशू क्या हो जाता है ये डिस्टर्ब कर सकता है हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ब्रॉडकास्ट को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स को इवन डैमेज कर सकता है हमारी सेटेलाइट्स को ठीक है सो ये जियो मैग्नेटिक स्टॉम है आई होप क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट क्रोनल होल्स सो करोनल होल्स जो है वो एक रीजन है ऑन द सर्फेस ऑफ द सन फ्रॉम वेयर फास्ट सोलर विंड गशेज आउट इन टू द स्पेस सो ये जो क्रोनल uh, होल्स है ये बेसिकली फॉर्म कैसे होते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो सन की सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होती उसके अंदर मैग्नेटो जो मैग्नेटिक एक्टिविटीज़ होती है वो डिफ़र करते रहते हैं और ये मैग्नेटिक एक्टिविटी डिफर करती रहती है इसी के कारण हमें क्रोनल होल्स जो है वो देखने को मिलते हैं सो so, क्रोनल होल्स बेसिकली इनके अंदर बहुत ही लिटल सोलर मटेरियल होता है एंड दे हैव वेरी लोअर टेम्परेचर और इसी कारण ये बाकी जो सर्फेस है उससे डार्क कर दिखते हैं आगे सनस्पॉट पड़ेंगे तो उसमें भी यही सेम चीज़ है और ये कॉरोनल होल जो हैं ये यूनिक फिनमिना नहीं होते दे अप्रोक्सीमेटली रिपीट इन इलेवन ईयर्स ठीक है और इसी को हम सोलर साइकिल बोलते हैं खैर ग्यारह साल में ये लोग दिखते हैं एंड दीज करोनल होल्स कैन कॉज सोलर स्टॉम ऑन द अर्थ एंड एज दे रिलीज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रीम ऑफ सोलर विंग्स ठीक है तो याद रखना कोरोनल होल्स के बारे में नेक्स्ट सन स्पॉट है तो एक नया सन स्पॉट देखा गया था सो सन स्पॉट जो है अगेन डार्क सरफे डार्क अपेयर होता है ऑन द सन सरफेस एंड दे अपीयर डार्क बिकॉज दे आर कूलर देन द अदर पार्ट ऑफ द सन सरफेस और ये होता क्यों है कूलर बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है क्योंकि हम भी हमने जैसे डिस्कस किया द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सन इज नॉट यूनिफॉर्म किसी किसी पॉइंट पे वो ज़्यादा हो सकता है किसी पॉइंट पे कम हो सकता है तो जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे वो क्या करता है जो भी सोलर सोलर रेडिएशन है उनको ज़्यादा आगे जाने नहीं देता है ठीक है और ज़्यादा आगे नहीं जाने देता तो इसका मतलब वो पार्ट जो है वो थोड़ा कूल रह जाता है और इसीलिए वो डाक का अपीयर होता है ठीक है एंड ये जो सन स्पॉट है दे कैन कॉज अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी विच इज़ नोन एज सोलर फ्लेयर्स आई होप ये टर्म क्लियर हुआ होगा नेक्स्ट है फास्ट रेडियो बर्स्ट अब ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है बस ये याद रखना फास्ट रेडियो बर्स्ट का आ, हम देखने को मिलता है ये फिनमिना जब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है अपनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं ठीक है अब उसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बट उसका आउटकम जो है वो फास्ट रेडियो बस्ट है ठीक है इतना ही इसमें जाने लायक है नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट फिर है गामा रेज बर्स्ट सो गामा रेज बर्स्ट जब हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे ब्लैक होल्स हो गए या फिर कोई प्लानट्स हो गए इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन होता है तब हमें देखने को मिलता है गामा रे बर्स ठीक है और यहां पे अगर स्पेसिफिकली बात करें ये किलोनोवा एक इवेंट है किलोनोवा इज बेसिकली व्हेन टू कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार और अ न्यूट्रॉन स्टार एंड अ ब्लैक होल को न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल क्या होते हैं इसको नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे बट अभी के लिए याद रखो इनके बीच में जो कोलिजन होता है एक न्यूट्रॉन या ब्लैक होल के बीच में या एक बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार के बीच में तो वहां पे हमें गामा रेज बर्स देखने को मिलता है और गामा रेज आप जानते हो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देखा था उसमें फ्रिक्वेंसी के टर्म्स में सबसे टॉप पे गामा रेज आती हैं और सबसे हार्मफुल होती हैं सो so, ये गामा रेज का एक शॉर्ट बर्स देखने को मिलता है जब भी कोलिजन देखने को मिलता है न्यूट्रॉन स्टार में और एक ब्लैक होल में नेक्स्ट बीटल जूसल जूस एक ब्राइट रेड सुपर जॉइंट है ऑन द शोल्डर ऑफ और एक कॉन्स्टलेशन जिसके बारे में सभी को पता ही होगा और रेड जो एक डाइंग स्टार होता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमें देखने को मिलता है एक या तो वो बन जाएगा लेट्स से वाइट वॉफ या बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार या बन जाएगा ब्लैक होल वो डिपेंड करेगा तो यहाँ पे हम रेड सुपर जॉइंट की बात करें तो आप इस फ्लोर चार्ट के थ्रू देख सकते हो सबसे पहले एक स्टेलर नेबुला होता है नेबुला इज बेसिकली गैस का क्लाउड धीरे धीरे एग्लोमरेट करता है और उस एग्लोमरेशन से हम देखते हैं कि या तो अगर एग्लोमरेशन हो गया तो या तो वो एवरेज स्टार बनेगा या मैसिव स्टार बनेगा एवरेज स्टार मतलब हमारा जो सोलर सोलर सिस्टम के अंदर जो सन है उसके कंपैरिजन में देखे जाए तो ऑलमोस्ट उसके बराबर या उससे कम अगर होगा तो उसे हम एवरेज स्टार बोलते हैं एवरेज स्टार धीरे धीरे फ्यूजन रिएक्शन करेगा एक पॉइंट आएगा जब उसके सारे जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा तब वो रेड जाइंट बन जाएगा एक्सपैंड होकर लाल हो जाएगा और रेड जाइंट होने के बाद उसमें जैसे ही उसकी जो सरफेस है वो पहले एक्सपैंड होगी रेड जाइंट बनेगा और फिर एक पॉइंट पे उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा इस चीज़ को इसका जो सरफेस है रप्चर होगा और रप्चर होते ही वापस प्लानिटरी नेबुला बन जाएगा जैसे ये प्लानिटरी नेबुला थोड़ा सा नेबुला मतलब डस्ट तो जैसे ये डस्ट जो है थोड़ा सा हटेगा तो विल फाइंड आउट कि एक बहुत ही शॉर्ट बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जहाँ पे कुछ एनर्जी जो है वो लाइट फ्लैशेस दे रही है तो इसी को वाइट डॉफ बोलते हैं नेक्स्ट सेकेंड स्टेज में क्या होता है अगर लेट से उसका मास हमारे सन का जो सोल हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है उससे ज़्यादा होता है ठीक है तो तब हम देखते हैं एक मैसेज स्टार फॉर्म होता है मैसेज स्टार जब डाई होने की स्टेज पे आता है तो उस पर एक रेड सुपर जॉन्ट बनता है एंड रेड सुपर जॉन्ड एक बहुत बड़ा हेवनली बॉडी हो गया तो जब ये एक आपस में रप्चर करता है मतलब जब इसका पूरा फ्यूल रन आउट हो जाता है और इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं बचती कि ये अपने आप को और एक्सपैंड कर सके तो वो एकदम बहुत वॉलेंटली रप्चर होता है जिसे हम बोलते हैं सुपरनोवा विच इज़ एक्सप्लोजन और ये एक्सप्लोजन होने के बाद दो चीज़ होती है अगर उसका मास जो है उस सन का मास जो था वो थ्री टाइम्स ऑफ सन नहीं था तो हम देखेंगे कि यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होगा लेकिन अगर उसका मास जो है वो थ्री टाइम्स से ज़्यादा था वो विल सी इट विल बी अ ब्लैक होल दैट इज फॉर्म और ये ब्लैक होल फॉर्मेशन का जो आइडिया है ये हमें जो इंडिया के एक फेमस साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर जिनके नाम से ही ये चंद्रशेखर लिमिट पड़ी है सो so, उनके काम से हमें ये पूरा लाइफ साइकिल ऑफ जो स्टार है वो प्रॉपरली समझ में आया तो याद रखना ये बीटल जूस जो है हम लोगों ने एक ब्राइट रेड सुपर जॉन्ट देखा है नेक्स्ट ये वाइट ऑफ और ये सब कुछ काम का नहीं है ये लोग हम ये चीज़ें हम पढ़ ही चुके हैं नेक्स्ट स्पेस ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं सो so, एक न्यू एस्ट्रोय डिस्कवर किया गया इन ट्वेंटी ट्वेंटी सो एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया इसको इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज पोटेंशली हिजाडियस टू अर्थ टू बी डिस्कवर्ड इन द लास्ट एट ईयर्स सो so, अभी हम लोगों ने डार्ट मिशन पढ़ा था कि ऐसे ही जो एस्टोरॉयड्स हैं जो कि अर्थ के ऊपर आकर टकरा सकते हैं उन्हीं को डिफ्लेक्ट करने का आइडिया था डार्ट मिशन में और हम देख रहे हैं कि ऐसा एक आइडेंटिफाई कर भी लिया गया ऐसा एक स्पेस ऑब्जेक्ट जो कि हार्म कर सकते हैं इंडिया हार्म कर सकते हैं हमारे प्लानट अर्थ को नेक्स्ट एग्जो प्लानट सो एक्जो प्लानट ऐसा so, कोई प्लानट को जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है उसे हम एग्जो प्लान बोल सकते हैं और साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है

कन्फर्म दट दिस कामेट इज इंडीड द लार्जेस्ट आईसी कॉमेट न्यूक्लियस एवर सीन बाई एस्ट्रोनोम सो कॉमेट के बारे में आप जानते हो कि एक हैवेनली uh, बॉडी है जो कि रिवॉल्व करता है एक सन को और जनरली इसका जो शेप है थोड़ा सा आपको इस तरीके से देखने को मिलता है ठीक है पीछे तेल हो गया आगे हेड हो गया तो यहाँ पे इसका जो मेन मटेरियल होता है वो रहता है और बाकी जो पीछे है वो एक फ्लैश ऑफ लाइट रहता है जहाँ पे आइस क्रिस्टल वगैरह जो है वो स्टेट uh, ऑफ जो है मैटर का वो चेंज कर रहे होते हैं ठीक है या उनके जो क्रिस्टल्स है वो अपीयर होते रहते हैं हमें दैट इज वट इज दिस कॉमेट इज ऑल अबाउट बाकी इससे ज्यादा क्या डिटेल है ये हमारे लिए काम की नहीं है नेक्स्ट मिसलेनियस एक्टिविटी देखते हैं तो so, पहला है डार्क स्काई रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना बिकॉज ये एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और साइंस एंड टेक के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने अनाउंस किया है इंडिया का पहला फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन हेनली अब हेनले कहाँ है ये लद्दाख में है और दिस इज पार्ट ऑफ चांगल्ड लाइफ सेंचुरी सो तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे चांग, 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 प्लाटो पे, पे शीप भी मिलती है कॉल्ड चांगपा शीप तो कोई बताएगा चांगपा शीप किस लिए फेमस है एनी बडी के लिए कश्मीरी हाँ तो उस वूल का एक्चुअली नाम है मतलब उस वूल से हम लोग पश्मीना शॉल जो है वो बनाते हैं तो याद रखना चांगपा गोट है और चांगपा ही यहाँ पे वो ट्राइब है जो उसको रखती है गोट को ठीक है सो तो इसलिए ये सारा न्यूज़ में था सो दिस विल बी दल वर्ल्ड हाइएस्ट लोकेटेड साइट फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप ये डार्क स्काई जो रिजर्व है ये एक ऐसे प्लेस को टर्म दिया जाता है जहाँ पे मिनिमल आर्टिफिशियल लाइट का इंटरफेरेंस है ठीक है किसी तरह का लाइट पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे और ये जो टैग है डार्क स्काई रिजर्व का ये दिया जाता है बाई इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन इज़ अ बेस्ड नॉन प्रॉफिट जो कि ये टाइटल देता है डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया दिट सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस इसके अलावा इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी या हाई एल्टीट्यूड स्टेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स तो ये माउंट सरस्वती इन नीलम खुल प्लेन जो है हैडले के अंदर वहाँ से बनाया गया इसके अलावा और भी बहुत सारे टेलीस्कोप है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बस नाम देख लेना मेस हागर ये कुछ टेलीस्कोप के एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप सो दिस टेलीस्कोप इज़ लोकेटेड एट एरिस मनोरा पीक नैनीताल जिसने अभी कंप्लीट किए हैं फिफ्टी ईयर्स ऑफ ऑपरेशन और ये जो संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ये इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे कॉमेट्स प्लैनेट्स एस्टरॉइड्स और स्टार फॉर्मिंग रीजन जो है उनको चेकआउट करने के लिए अब इसने इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी क्या क्या बनाई है तो इस संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप के थ्रू हम लोगों ने नैपचून के रिंग्स को आइडेंटिफाई किया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिटेक्शन ऑफ रिंग अराउंड यूरनस एंड एडिशनल रिंग्स ऑफ सैटन ये कुछ एडवांटेजेस है काफ़ी जनरल है बस ये याद रख लेना संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप लोकेशन नैनीताल में था नेक्स्ट सारस थ्री नाम से एक और टेलीस्कोप है शेप्ड एंटीना मेजरमेंट ऑफ द बैकग्राउंड रेडियो स्पेक्ट्रोम रेडियो स्पेक्ट्रम सो ये एक प्रिजन रेडियो टेलीस्कोप है टू डिटेक्ट एक्सट्रीमली फेंट रेडियो वेव सिग्नल्स फ्रॉम कॉस्मिक डॉन तो कीवर्ड याद रखना प्रिसीजन रेडियो टेलीस्कोप है यानी रेडियो वेव्स के अंदर काम कर रहा है और बहुत ही हाई सेंसिटिविटी थी इसकी मतलब वर्ल्ड के अंदर दिस वाज द फर्स्ट टेलीस्कोप टू रीच दैट सेंसिटिविटी तो so, ये इसके बारे में याद रखना और लोकेटेड कहाँ है ये दिस इज डिप्लॉयड ओवर डांडी गनी हाली लेक एंड शारावती बैक वाटर्स इन कर्नाटका तो ये इसकी लोकेशन है नेक्स्ट एल है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप सो एल एम टी इज इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यहाँ पे मिरर जो था वो उसको लिक्विड लिक्विड को एज अ मिरर यूज कर रहे हैं हम और दिस वॉज कमीशन है देवस्थल ऑब्जर्वेटरी ऑफ आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एरिस इन नैनीताल उत्तराखंड अब ये जो एरिस है ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक और दिस एल एम टी विल ऑब्जर्व एस्ट्रॉइड सुपरनोवा स्पेस जबरीस एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और इसको बनाने में हमारी हेल्प बेल्जियम और कैनेडा ने भी की है तो ये याद रख लेना इस एल एम टी के अंदर एक रोटेटिंग मिरर भी है विच इज़ मेड अप ऑफ थिन थिन फिल्म ऑफ लिक्विड मरकरी जो कोशिश करता है कि जो लाइट है उसको प्रॉपरली कलेक्ट किया जा सके सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लोकेशन अगेन उत्तराखंड में ही ज़्यादातर ये टेलीस्कोप है तो ये भी हमें वहीं मिलता है ठीक है इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लिए थोड़ा सा डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है दैट इज टियांगोंग तो टियांगोंग चाइना ने एक सक्सेसफुल फाइनल मॉड्यूल जो है डिप्लॉय किया है टियांगोंग का तो टियांगोंग जो है एक स्पेस स्टेशन है जो चाइना बना रहा है अपने एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए जो कि लोकेटेड होगा अर्थ ऑर्बिट में करंटली अगर हम बात करें स्पेस स्टेशन की तो हमारे पास हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर केवल दो स्पेस स्टेशन है पहला नासा लैड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा ये चाइना का टियान गोंग होने वाला है अब टियान के पीछे रीज़न ये था कि और ये जो नासा का आई जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इससे रिलेटेड डाटा जो है वो चाइना के साथ वो शेयर नहीं कर सकते बिकॉज सर्टेन लॉ है यूएस के अपने खुद के जो बैन करता है नासा को फ्रॉम शेयरिंग दिस डाटा विद चाइना सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द थिंग्स इन द स्पेस सेक्टर अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप ठीक है सो विद विदाउट बींग सेड आई थिंक हम लोग आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर Well,